हाय एवरीवन मेरा नाम है आदर्श वेलकम टू बी एच यू पाठशाला दिस इज़ गोइंग टू बी पार्ट एलेवेंथ ऑफ जी के एंड जी सीरीज़ और इस वीडियो में हम लोग ट्वेंटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अगर आप हमारे प्रीमियम कोर्सेज़ को अवेल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ़ोन कॉल जो भी आपको सही लगे तो और अपनी क्वेरीज़ पूछने के लिए आप इंस्टाग्राम पर एट द रेट बी एच यू पाठशाला को फॉलो कर लें ओके तो चलिए विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ भारत रत्न अवार्डी निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न पुरस्कार विजेता नहीं है सचिन तेंदुलकर इनको स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भारत रत्न मिला हुआ है अमृत सेन इकोनॉमिक्स से इनको भारत रत्न मिला हुआ है इकोनॉमिक्स में और ऑप्शन सी भूपेन हजारिका ये म्यूज़िक के क्षेत्र से हैं और इनको भी भारत रत्न मिल चुका है सो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बच जाता है रतन टाटा जी इनको भारत रत्न नहीं मिला हुआ है सो ऑप्शन डी विल बी अवर राइट आंसर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू इज़ तानसेन वॉज अ म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ विच मुग़ल इम्परर तामसेन किस मुगल बादशाह के दरबार में संगीतकार थे तो जो तानसेन थे ही वॉज अ म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर सो अकबर विल बी आवर राइट आंसर और दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें अगर हम तो शाहजहाँ को जो रेन था जो इसका शासनकाल था इसको स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है और ऑप्शन सी बाबर इसने 1526 में इब्राहिम लुधी को हरा करके पानीपत के प्रथम युद्ध में मुगल वंश की नींव रखी तो चलिए आगे चलते हैं और पंद्रह सौ तीस में इसकी मृत्यु हो गई क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया होना चाहिए तो निम्नलिखित में से किस शहर को वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है तो जो मुंबई है ये बॉलीवुड नगरी है और दिस इज़ नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया इसे भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है और दूसरा ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लें तो जयपुर जयपुर इज़ नोन एज पिंक सिटी एंड दिल्ली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया सॉरी न्यू डेली इज़ कैपिटल ऑफ इंडिया सॉरी फॉर द मिस्टेक और ऑप्शन डी इज़ बेंगलोर दिस इज़ दिस इज़ नोन एज गार्डन सिटी ऑफ इंडिया और ये सिलिकॉन वैली ऑफ अपने देश का भी इसका एक और निकनेम है सिलिकॉन वैली चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज़ विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड एरिया के हिसाब से सबसे छोटा एशन कौन सा है ओशन कौन सा है तो स, जो सबसे छोटा महासागर है वो आर्कटिक है तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा आर्कटिक इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज़ वेयर इज़ साइलेंट वैली लोकेटेड शांत घाटी कहाँ पर स्थित है तो आप सभी को शायद पता भी होगा शांत घाटी इज लोकेटेड इन केरला ये केरला में स्थित है ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर और दूसरे ऑप्शन के बारे में वहीं हम बात कर लें तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी है ठीक है और राजस्थान में सांभर लेक है और बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में पड़ता है तो विच इज़ इन उत्तर प्रदेश आगे चलते हैं विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड सबसे विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा फूल जो है वो है रिफ्लेशिया ऑप्शन नंबर सी विल बी आवर राइट आंसर चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन इज हु इज़ नोन एज देश बंधु देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता है और ऑप्शन सार राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस एंड चित्रंजन दास तो जो चित्रंजन दास थे ही वॉज नोन एज देश बंधु ठीक है उनको देश बंधु के नाम से जाना जाता था सो ऑप्शन डी विल बी आवर राइट आंसर और वहीं अगर हम दूसरे ऑप्शन के बारे में बात कर लें तो राजेंद्र पहले राष्ट्रपति प्रा, थे और महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जा, जाता है और इन्होंने एक किताब की रचना भी की थी जिसका नाम था कई किताबें लिखी हैं मगर हिंद स्वराज भी इनकी एक किताब है और सुभाष चंद्र बोस इज़ आल्सो नोन एज नेताजी क्वेश्चन नंबर एट विच ऑफ़ द फॉलोइंग और हाँ अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कि देश बंधु जब आपसे पूछे तो आप बोलेंगे चित्रंजन दास अगर वहीं आपसे पूछे दीन बंधु दीन दीन बंधु अगर आपसे पूछता है तो दीन बंधु सी एफ एंड्रूज़ सी एफ एंड्रूज़ को दीन बंधु के नाम से जाना जाता था ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर एट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज सुसाइडल बैग निम्नलिखित में से किसी आत्महत्या की कि थैली से नाम से जाना जाता है तो जो लाइसोसोम है दिस सेल इज़ नोन एज सुसाइडल वैक ठीक है और राइबोसोम की बात करें तो ये अरण्य और प्रोटीन से बना होता है तो चलिए आगे चलते हैं हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पिता के रूप में या फिर जनक के रूप में किसे जाना जाता है तो मैं आपको बता दूँ कि लॉर्ड रिपन जो थे इनको फादर ऑफ़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है और दूसरे ऑप्शन के बारे में अगर हम बात कर लें ऑप्शन ए इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और ध्यान दीजिएगा आप इनसे जित इनसे पहले जितने गवर्नर जनरल थे वो सब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे मतलब यानी बंगाल के गवर्नर जनरल थे ही वॉज अ लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ऑप्शन सी इज़ लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग को हम सभी लोग जानते हैं वो भारत के पहले वाइस थे ठीक है और लॉर्ड एल ब्रो इनका नाम आता है दास प्रथा के उन्मूलन में इन्होंने काफ़ी काम किया ठीक है जब भी अगर क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से किसका योगदान दास प्रथा के उन्मूलन में अधिक रहा या फिर कुछ भी रिलेटेड दास प्रथा से तो आप लॉर्ड एलेन बरो को टिक, टिक करेंगे ठीक है चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टेन इज मोहिनी अट्टम इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया जो अट्टम है भारत किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है तो जो मोहिनी आट्टम है इज़ अ ट्रेडिशनल डांस ऑफ केरला सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर केरला का एक ट्रेडिशनल डांस और केरला का एक और डांस होता है विच इज़ नोन एज़ कथक कली दूसरे ऑप्शन के बारे में हम बात करें तो तमिलनाडु तमिलनाडु से भरतनाट्यम इसको आप सभी लोग याद रखेंगे दिस इज़ इम्पॉर्टेंट वन भरतनाट्यम ठीक है और आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी ये काफ़ी एग्जाम्स में आता है इसको नोट कर सकते हैं आप कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश से है नौटंकी हो जाती है उत्तर प्रदेश की और कत्थक ठीक है कथक और कथक कली में आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कत्थक उत्तर प्रदेश कत्थक कली केरला ठीक है चलिए आगे चलते हैं हु आज़ द फर्स्ट सुल्तान ऑफ डेली दैट डेक्लेयर्ड या जगह पे दैट होना चाहिए था दैट डेक्लेयर्ड दिल्ली एज़ कैपिटल दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी घोषित किया तो आपको बताते चलो अल्तुतमिस वाज द फर्स्ट फ़र्स्ट सुल्तान हु डिक्लेयर दिल्ली एज इज़ कैपिटल अल्तुमिस ऐसा पहला शासक था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया और इसके पहले जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी राजधानी कहाँ थी लाहौर और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम मूंज की स्थापना भी की थी और रजिया सुल्तान फर्स्ट मुस्लिम रूलर थी और चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व क्या है देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इज़ ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो जो कर्क रेखा है इट पासेज थ्रू एट स्टेट्स ऑफ इंडिया सो ऑप्शन सी विल बी आवर राइट आंसर और इन आठों राज्यों की बात कर लें तो मैं आपको बताता हूँ आप इसको नोट कर सकते हैं जिन आठ राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है वो है गुजरात ठीक फिर इसके बाद आ जाता है राजस्थान राजस्थान के बाद एमपी एमपी हो गया फिर इसके बाद छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के बाद आप आ जाइए झारखंड झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल ठीक है वेस्ट बंगाल फिर देन आफ्टर त्रिपुरा त्रिपुरा और फिर हो गया मिज़ोरम ठीक है चलिए आगे चलते हैं हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इज़ हाउ मेनी रिंग्स आर इन आर दे आयर इन ओलंपिक फ्लैग ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं तो ओलंपिक ध्वज में पांच छल्ले होते हैं सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर और ये पांच छल्ले किन किन रंगों के होते हैं मैं आपको बताते चलता हूँ ब्लू येलो ब्लैक ग्रीन एंड रेड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज़ तो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इज हाउ मेनी पिन कोड जोन्स आर देयर इन इंडिया भारत में कितने पिन कोड जोन हैं तो भारत में कुल मिलाकर के नौ पिन कोड जोन है सो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर और बताते चलता हूँ एट जोग्राफिकल रीज़न जोन्स हैं और एक इंडियन आर्मी के लिए तो कुल मिला जुला करके कुल मिला के नौ पिन पिन कोड जोन्स इंडिया में है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेशनल पार्कस एंड देयर लोकेशन इज नॉट करेक्ट राष्ट्रीय उद्यानों के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक और उसका स्थान सही नहीं है तो चलिए देखते हैं आंध्र प्रदेश पापी कोंडा ये बिल्कुल सही है मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कर्नाटक में बांदीपुर नेशनल पार्क है दिस वन इज़ ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन डी आसाम में दुधवा नहीं गलत आसाम में दुधवा नेशनल पार्क नहीं है आसाम में आसाम में अगर हम बात करें तो आसाम में मानस नेशनल पार्क है मानस नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क ठीक है काजीरंगा इज़ फेमस फॉर वन हॉर्न रानोशोरस राइनो, राइनोस रानोसोरस शायद उसको बोलते हैं गेंडे के लिए है तो और दुधवा नेशनल पार्क दिस इज़ इन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी में है, ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जी एस एल वी तो जी का पूर्ण रूप क्या है तो जी का पूर्ण रूप होता है जियो संक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल सो so, ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा और वहीं पी की बात कर लें तो पी का फुल फॉर्म होता है पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन इज वॉट इज द स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ पृथ्वी का पलायन वेग क्या है अगर कोई वस्तु है मान लीजिए उसको आप ऊपर फेंकते हैं तो उसको कितनी तेज़ फेंकें कि वो पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यानी ग्रेविटेशनल फोर्स उससे बाहर चल के स्पेस में चली जाए तो उसके लिए उस वस्तु की जो गति होती है यानी वेग उसका होना ये वो ग्यारह दशमलव दो किलोमीटर प्रति सेकंड होना चाहिए ठीक सो स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज़ एलेवन पॉइंट टू किलोमीटर्स पर सेकंड क्वेश्चन नंबर एटीन इज़ विच आर्टिकल ऑफ विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कॉमन होना चाहिए था भीम राव अम्बेडकर टर्मड एज हॉट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भीम राव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है तो जो आर्टिकल थर्टी टू है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसको भीमराव अम्बेडकर जी ने हॉर्ट एंड सॉल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है और बाकी ऑप्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं आर्टिकल फिफ्टीन डील्स अबाउट की ये इक्वलिटी होनी चाहिए और किसी के ऊपर किसी के किसी भी व्यक्ति के साथ बेस्ड ऑन सेक्स बर्थ प्लेस जेंडर इन सब इन सब चीज़ों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता आर्टिकल 17 डील्स विद अनटचेबिलिटी इट अबोलिसिज अनटचेबिलिटी आर्टिकल थर्टी थर्टी ये राइट टू प्रॉपर्टी के लिए था विच हैज़ बीन अमेंडेड एंड नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज इन आर्टिकल 300 ए इसको आप एक बार चेक भी कर लेंगे चलिए आगे चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इज विच आर द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड जी इन इंडिया निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में जीएसटी की शुरुआत की तो जो एक सौ एकवां संवैधानिक संशोधन था दिस इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी इन इंडिया इसमें जीएसटी को भारत में लाया और वहीं हम बिल की बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो जीएसटी का था बिल था एक सौ बाईसवाँ ठीक है एक सौ बाईसवाँ बिल था ठीक है एक सौ बाईसवाँ बिल था और ये एक जुलाई दो हज़ार सत्रह से पूरे भारतवर्ष में लागू किया गया और सबसे पहला स्टेट जिसने जीएसटी को अपनाया दैट वॉज़ असम ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज़ हेमा दास ढिंग एक्सप्रेस इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट्स जो हेमा दास हैं किस खेल से रिलेटेड हैं हेमा दास एक स्प्रिंटर हैं यानी एक धाविका हैं सो सी इज़ रिलेटेड विद स्प्रिंटिंग और उनको ढिंग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है एंड सी बिलोंग्स टू असाम आसाम की हैं आगे चलते हैं क्वेश्चन फॉर यू इज़ विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस्ड वोटिंग राइट्स फ्राम ट्वेंटी वन ईयर्स टू एटीन ईयर्स किस संविधान संशोधन अपने मतदान के अधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी मदद हो सके सो थैंक यू गुड लक एंड स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स बीच पाठशाला यूनिवर्सिटी गुरुकुल थैंक्स अगेन